एक्सरसाइज नंबर 3.3, क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट 3। डिटर्मिनेंट में है 1 1 1, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए बाई बी सी, बी बाई ए सी, सी बाई ए बी, विच इज़ इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं 1 1 1, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए बाई बी सी, बी बाई ए सी, सी बाई ए बी, मल्टीप्लाई सी 3 बाई ए बी सी। जो कॉलम 3 है ना उसको ए बी सी से मल्टीप्लाई करके लिखें। अगर उसको ए बी सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कॉलम 2 और कॉलम 3 सेम हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास बी सी से कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बचेगा। तो जो चीज़ मल्टीप्लाई करते हैं उसको हमें डिवाइड भी करना पड़ता है। तो पहले बाय लिखेंगे 1 बाई ए बी सी, डिटर्मिनेंट में 1 1 1, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए बाई बी सी, साथ ए बी सी से मल्टीप्लाई करवा दिया, बी ए बी सी डिवाइड में ए सी, सी ए बी सी डिवाइड में ए बी, विच इज़ इक्वल टू 1 बाई ए बी सी, डिटर्मिनेंट में 1 1 1, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब यहाँ पे बी सी से कैंसिल हो जाएगा, नीचे ए सी से कैंसिल हो जाएगा, उससे नीचे ए बी से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। कॉलम 2 और कॉलम 3 सेम आ गए हैं, विच इज़ इक्वल टू 0। सो एज सी 2 एंड सी 3 आर सेम, सो डिटर्मिनेंट विल बी 0। अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ हजारों एमसीक्यूज वो भी बिल्कुल मुफ्त, तो अभी हमारी ऐप डाउनलोड करें हिप्पो ई लर्निंग प्रोग्राम, और इसके साथ साथ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।